आज हम देखने वाले सऊदी के एक हिस्टोरिकल प्लेस जो रियाद से 20 किलोमीटर में है, इसका नाम है दिरिया। 1744 में जब मोहम्मद इब्ने सऊद ने फर्स्ट सऊदी स्टेट को फॉर्म किया था, तब दिरिया ही सऊदी का कैपिटल था। अगले 80 साल के लिए यही सऊदी का कैपिटल था। फिर 1824 इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला के ज़माने में रियाद को सऊदी का कैपिटल बनाया गया। सऊदी रॉयल फैमिली इधर ही रहा करती थी और ट्रेडिंग का एपिसेंटर बोल सकते थे उस ज़माने का, और मक्का के लिए ट्रैवल रूट भी इधर से ही कंट्रोल किया जाता था। एक ओएसिस है और इधर काफ़ी सारे डेट पाम्स देखने को मिले और ग्रीनरीज भी है। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। ये वादी हनीफा है, बारिश के दिनों में इधर नहरें बहती है और एकदम ग्रीनरी होता है। अभी पीक समर का सीज़न है तो पानी का नाम और निशान इधर कहीं नहीं मिलेगा। अब ऊपर जो जगह दिख रही है, हम उधर ही जाने वाले हैं। इस जगह का नाम है बुजैरी। अब सामने जो जगह दिख रही है वो ड्रॉप ऑफ पॉइंट है, पार्किंग अंडरग्राउंड में। इधर रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, जूस शॉप, मस्जिद सब कुछ सामने ही है। और मर्दों के लिए एक अच्छी बात क्या है कि इधर शॉपिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप टेंशन फ्री बीवी को ले जा सकते हैं। सऊदी विजन 2030 के हिसाब से सऊदी के हर एक आर्कियोलॉजिकल साइट को डेवलप करना है और टूरिस्ट अट्रैक्शन क्रिएट करने का है, तो उसमें दिरिया भी है। इधर की हर एक बिल्डिंग पुराने ज़माने के आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाई गई है। दिसंबर 2018 में एक मेजर इवेंट इधर होने वाला है दिरिया सिटी में ही, वो है फार्मूला ई कार रेसिंग। सऊदी की हिस्ट्री में पहली बार कार रेसिंग होने वाला है। इस फार्मूला ई का सीज़न 5 है, आगे के 4 सीजन्स दूसरे कई डिफरेंट कंट्रीज़ में हुए हैं। इसमें 22 जनरेशन 2 कार्स पार्टिसिपेट करेंगे, सब बैटरी ऑपरेटेड रहेगा। F1 की तरह ये ट्रैक में होने वाला नहीं है, ये दिरिया के रोड्स में होने वाला है। अब सामने जो देख रहे हैं ये ओल्ड सिटी के रुइंस हैं, अभी इसको रिनोवेट किया जा रहा है और ये एरिया अभी फ़िलहाल क्लोज्ड है, शायद ये कार रेस के लिए रेडी किया जा रहा है। आपको याद हो तो ये ब्रिज के नीचे से हम आ रहे थे, जिसका रास्ता अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ है। और ये है ऊपर जाने का रास्ता, इधर ऊपर टेरेस में लॉन वॉन सब मेंटेन किया है। ये पीक समर में ये जगह इतनी खूबसूरत है, तो विंटर के टाइम पे जाएंगे तो और मज़ा आएगा। रेनी सीजन में जब पानी भरा हुआ देखते हैं तो सबको पसंद आएगा। हमने आगे की वीडियोस में भी ऐसी जगहें कवर की हैं जो अक्सर लोग जाते नहीं है, जिसको पता नहीं होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।